डायनासोर, यह शब्द सुनकर ही हमारे दिमाग में कई बड़े जानवरों की तस्वीरें आने लगती है जो हमने जुरासिक वर्ल्ड जैसे फिल्मों में देखी है। तो चलिए जानते हैं आज डायनासोर्स के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करोड़ों साल पहले पूरी पृथ्वी पर इन बड़े जानवरों का ही राज था। ये उस समय पूरी पृथ्वी के मालिक थे और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा राज इन्होंने ही किया था। इन्होंने 15 करोड़ साल तक राज किया। ये इंसान के समय का सिर्फ 0.1% है। तो चलिए जानते हैं डायनासोर्स के विनाश के बारे में। डायनासोर्स का विनाश 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। डायनासोर्स कई प्रकार के हुआ करते थे। ये पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते थे। कुछ डायनासोर्स मांसाहारी हुआ करते थे तो कुछ डायनासोर्स की शाकाहारी प्रजाति भी पाई जाती थी। सभी डायनासोर्स का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर्स मानव के आकार के भी हुआ करते थे। ऐसे विभिन्न जाति के डायनासोर्स पृथ्वी पर खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर एक भयंकर घटना घटी। अगर वो घटना नहीं हुई होती तो डायनासोर्स आज भी जिंदा होते और मानव जाति का कोई नामोनिशान ही नहीं होता। आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले 15 किलोमीटर विशाल का टेस्टोइड का एक टुकड़ा हमारी धरती की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने हमारी पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया, उसने आग का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी के वातावरण में आते ही उसकी स्पीड दोगुनी हो गई और टेस्टोइड आखिरकार हमारी अर्थ के मेक्सिको के युक्टॉन प्रायद्वीप से टकराया। इसकी टक्कर आज के परमाणु बमों से अरबों गुना बड़ी थी। इस टक्कर के बाद पूरी पृथ्वी हिल गई, मानो कि बड़ा भूकंप आया हो। टकराते ही इसकी आग कई तेजी से सैकड़ों मील तक फैल गई। रास्ते में जो भी जीव पेड़ थे उन्हें कुछ सेकंड्स में राख कर दिया। समुन्द्र में कई मीटर ऊंची लहरें उछली, मानो कि सुनामी आ गई हो। पूरी दुनिया तबाही की ओर बढ़ने लगी। इस टक्कर के बाद निकली धूल और राख आसमान में फैल गई, जिससे धरती का एटमॉस्फेयर कई महीनों तक धूल, राख और गैसेस से ढक गया। धरती पर आने वाली सूरज की प्रकाश किरणें धरती के सतह पर आना बंद हो गई, जिससे धरती की पूरी फूड चेन को इम्बैलेंस कर दिया और अचानक से हमारे धरती का तापमान गिर गया। इस तबाही के बाद जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां नष्ट हो गई। कई महीनों के बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर से गैस, डस्ट और राख साफ हो गई, लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस जो तबाही के बाद एटमॉस्फेयर में फैली थी, उन्होंने अचानक एटमॉस्फेयर को गर्म करना शुरू कर दिया। इसके कारण जो भी इन संकटों से बची प्रजातियां थी वो भी नष्ट हो गई। इस खतरनाक तबाही के बाद 75% प्लांट और एनिमल की स्पेसिस का तो नामोनिशान ही मिट गया। 25 किलोग्राम से ज्यादा वजनी सभी जीव खत्म हो गए। इसमें सिर्फ मैनमल्स और उड़ने वाले डायनासोर्स ही अपना बचाव करने में कामयाब रहे, जो कि अपने बचाव हेतु जमीन के नीचे रहा करते थे। जो मैनमल्स थे वो इवॉल्व होकर इंसान सहित जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें रूपांतरित हो गए, और जो उड़ने वाले डायनासोर्स थे उन्होंने अपने आप को पक्षियों के रूप में इवॉल्व कर लिया। तब से लेकर अब तक जो इवोल्यूशन हुआ है उसे होने में करीब 7 करोड़ साल लगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो।